भारत सरकार ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को सुरक्षित वापस लाने की सभी कोशिशें कर रही है। इसी बीच खरकियो में एक भारतीय छात्र की मौत की खबर से वहां फंसे अन्य भारतीय छात्रों के परिजन बेहद चिंतित हैं। उन्हीं में से भिंड जिले के अरमान खान के परिजन भी हैं, जिनका बेटा अरमान MBBS करने यूक्रेन गए हुए हैं और वहां युद्ध के हालातों में फंसे हुए इस संकट के दौर में अरमान के परिजन अपने बच्चे की सलामती की दुआ कर रहे हैं। अरमान के पिता भिखारी खान अपने परिवार के साथ गुरमी के दौली गांव में रहते हैं। वह पेशे से डॉक्टर हैं और वही गांव में अपना छोटा सा क्लिनिक चलाते हैं। बेटे अरमान को 10वीं के बाद मेडिकल की तैयारी के लिए कोटा भेजा था, जहां उसकी दोस्ती राजस्थान के ही रहने वाले एक युवक से हुई। दोनों के परिवार भी एक दूसरे को जानने लगे। अरमान के दोस्त की बहन यूक्रेन में ही रहती थी। उनकी सलाह पर 12वीं पास होते ही अरमान को भी यूक्रेन के मेडिकल कॉलेज में MBBS की डिग्री करने के लिए दाखिला मिल गया। अरमान पढ़ने में होशियार था, रिश्तेदारों ने भी कहा कि इसे आगे पढ़ना चाहिए। ऐसे में जमा पूंजी और रिश्तेदारों की मदद से उसे यूक्रेन पढ़ने पहुंचाया था। हालांकि कोरोना की वजह से पहले साल ऑनलाइन क्लास चली, जिसे वो गांव में रहकर ही अटेंड कर रहा था। कुछ महीने पहले ही स्थिति सामान्य होने से कॉलेज ने क्लास ऑफलाइन कर दी थी, जिसके बाद उसे यूक्रेन भेज दिया था, जहां वह राजधानी कीव के पास ही रहता था। शुरू में युद्ध की बात सामने आते ही सब परेशान हो गए, लेकिन अरमान ने चिंता न करने की बात कही। लेकिन वहां से निकलने के पहले ही रूस की सेना ने कीव में बमबारी कर दी। अरमान और उसके तीन साथी 3 दिनों तक एक बंपर में छिपे रहे। पिछले 4 दिनों से बेटे से किसी प्रकार का संपर्क नहीं हो पाया। उसके दोस्त के पिता ने बताया है कि दोनों बच्चे आज सुबह हंगरी बॉर्डर पहुंचे थे। वहीं यूक्रेन में भारतीय छात्र की मौत की खबर सामने आने के बाद परिजनों की चिंता और बढ़ गई। छात्रों के परिजन किसी अनहोनी की आशंका से चिंतित हैं। परिजन भारत सरकार से जल्द अपने बच्चों की सही सलामत वापस लाने की गुहार लगा रही है। तुमने बोला था कि हमारी कोई बच्चे से बात नहीं हुई है, अपने बच्चे से भी बात नहीं हुई है, सिर्फ उसका मैसेज आया है बच्चे का उनके बच्चे का राजस्थान का। हाँ। तो मैसेज नीदरलैंड कौन सा बताया था आपने? रोमानिया बॉर्डर पे। रोमानिया बॉर्डर पहुंच गया रात को, तुम कुरान को तो बता दो रोमानिया बॉर्डर पहुंच गए। सर बात कर लीजिए। देखो हमारी ऐसी स्थिति आ गई कि हमें बर्फ़ घुल रही है, बर्फ़ का घुलता हुआ पानी डालने को मिल रहा है। हमारी अब ऐसी स्थिति आ गई सर, क्या करें, पैसा नहीं है, पानी बरसात का पानी ऊपर से गिर रहा, उसे पीने की नौबत आ गई, क्या कर सकते। अब यही पानी बचा है हमारे पीने का। खुल गया मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट प्रतिष्ठान खुल गया। जी हाँ, आपके शहर रीवा में मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट GS 108 आशीर्वाद प्लाजा ढेकहा में खुल गया। हम सिर्फ घर नहीं बनाते, हम बनाते हैं आपके सपनों का घर। कंप्लीट फर्नीचर, मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वॉलपेपर, 3D डिजाइन की सेवाएं उपलब्ध। एक बार सेवा का अवसर जरूर प्रदान करें। मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट आशीर्वाद प्लाजा ढेकहा रीवा।